दोस्तों आज मैं आपको प्लंबिंग के ट्रैप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको 6 ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा और मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स इन प्लंबिंग, यानी कि प्लंबिंग में कौन कौन से तरह के ट्रैप्स होते हैं और उनका यूज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पी ट्रैप के बारे में। ये दोस्तों कुछ इस शेप का रहता है, ये पी की तरह बना होता है, इसलिए इसको पी ट्रैप बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता है? ये हमारा इंडियन टॉयलेट में यूज होता है। जो हमारी इंडियन सीट होती है, जैसे घरों में लगी होती है, इंडियन पैन, उड़ीसा पैन जिसको बोलते हैं, ये उसमें यूज होता है। अभी वहाँ पे पी ट्रैप क्यों लगाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये पी ट्रैप होता है, यहाँ पे देखिए आपका पानी जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पानी जाकर और ये आपका यहाँ से आउट हो जाएगा पानी। तो इसमें क्या है, यहाँ से लेकर इतने में ये पानी खड़ा रहता है, मतलब यहाँ से पानी जाकर आपका यहाँ से पानी आउट हो जाएगा, ये पानी इतना खड़ा रहता है। और क्या होता है, ये पानी जो स्मेल होती है यहाँ से अंदर नहीं आने देता, तो इसीलिए ये पी ट्रैप लगाया जाता है। ये सिर्फ इंडियन पैन में लगता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है हमारा बोटल ट्रैप। बोटल ट्रैप क्या होता है, ये हमारा वाश बेसिन में लगता है। जो हमारा वाश बेसिन का आउट पानी होता है, मतलब जो हमारा आउटलेट पानी होता है, तो उसके नीचे ये बोटल ट्रैप लगता है। ये बोटल की तरह होता है, ठीक है, यहाँ से आपका पानी आएगा, ठीक है, पानी आकर ये सारा भर जाएगा। तो ये चीज़ ना जो नीचे वाली रहती है, ये भरी रहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भरी रहती है, तो इससे स्मेल आपकी अंदर नहीं जाती, तो इसलिए ये वाश बेसिन के लिए बोटल ट्रैप लगाया जाता है। ये आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, ये आप वाश बेसिन में भी लगा सकते हो, जो हमारा किचन सिंक होता है आप किचन सिंक में भी लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, पहला पी ट्रैप हो गया, दूसरा बोटल ट्रैप हो गया। दोस्तों तीसरा आता है एस ट्रैप। इसको एस ट्रैप क्यों बोला जाता है? दोस्तों ये इसकी जो शेप होती है, ये एस की तरह होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है वाल माउंट में। वाल माउंट किसको बोलते हैं, जो हमारा वाटर क्लोजेट होता है, जो वाल में होता है, हैंगिंग होता है वाल में, ये उसमें यूज किया जाता है। और ज़्यादातर ये ग्राउंड फ्लोर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, तो ये ग्राउंड फ्लोर में यूज़ किया जाता है, वाटर क्लोजेट में। ये इंडियन पैन में यूज़ नहीं होएगा, ये वाटर क्लोजेट में यूज़ होएगा, ठीक है। चौथा आ गया हमारा फ्लो ट्रैप। इसको हम नहनी ट्रैप भी बोल सकते हैं, फ्लो ट्रैप भी बोल सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। अब दोस्तों फ्लो ट्रैप का काम क्या है, अब फ्लो ट्रैप का काम ये है कि जो हमारा नहाने का पानी इसमें फ्लो ट्रैप में जाएगा, ठीक है, तो ये पानी इसमें जमा हो जाएगा। यहाँ से मेरा पानी इसमें गया और यहाँ से पानी मेरा आउट हो गया, तो ये जो पानी मेरा इसमें गया, पानी इसमें फ्लो ट्रैप में जमा हो जाता है। तो ये ट्रैप जो होता है, ये मेरे जीटी में कनेक्ट होता है, तो ये बदबू मतलब जो होती है सीवरेज की, वो आपके बाथरूम में नहीं आने देता। फ्लो ट्रैप आप बाथरूम में यूज़ कर सकते हो, टॉयलेट में भी लग सकता है और आपके किचन में भी ये फ्लो ट्रैप यूज़ होता है। चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट आता है गली ट्रैप। तो दोस्तों ये गली ट्रैप जो होता है, ये आपका स्टोनवेयर में भी आता है, ठीक है, ये ज़्यादातर आपका एक्सटर्नल में यूज़ होता है, 100x100 का इसका साइज होता है। और ये पी टाइप का होता है। पी टाइप क्यों बोला जाता है, जैसे ये मेरा पी ट्रैप मैंने बोला था, सेम वही चीज़ ये मेरा गली ट्रैप है, ठीक है। तो ये स्टोनवेयर में होता है, एक्सटर्नल यूज़ होता है। ये भी इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपका कोई भी अगर पाइपलाइन चौकअप हो जाती है, तो आप इसका कवर हटाकर इसको क्लीन कर सकते हो। और दूसरी बात, इससे आपकी जो बदबू होती है, स्मेल होती है, ये स्मेल को भी अंदर जाने नहीं देता, ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क के लिए यूज होता है। सिक्स पॉइंट, छेमा जो ट्रैप होता है, छेमा ट्रैप हमारा होता है क्यू ट्रैप, ठीक है, ये क्यू की तरह बना होता है, इसलिए क्यू ट्रैप बोलते हैं इसको। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर में ही यूज होता है, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर में नहीं यूज होता दोस्तों, ये मेरा गलती से लिखा गया, ये होता है मेरा हमेशा फर्स्ट फ्लोर में यूज होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लोर में यूज होता है। तो दोस्तों ये 6 तरह के ट्रैप हैं, ये प्लंबिंग काम में यूज होते हैं। इन ट्रैपों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में बहुत से कंपनियां ऐसी हैं इन ट्रैपों के बारे में क्वेश्चन पुट करती है। तो जो मैंने आपको जानकारी बताई, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।